नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैट्रिक परीक्षा की दोनों पालियों का प्रश्न पत्र का होगा अलग अलग पैकेट। सारण में इतने दिनों तक रहेंगे सारे सोशल साइट्स बंद। ललन सिंह का ऐलान, कुशवाहा नहीं है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। अब ट्रेनों में इस नंबर की मदद से व्हाट्सएप से भी मंगा सकेंगे खाना। पाकिस्तान नहीं आने पर भड़के जावेद मियांदाद। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीआरओ ने 567 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मैकेनिक, ऑपरेटर, ड्राइवर, मल्टी स्किल वर्कर के कुल मिलाकर 567 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2023 तक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए बीआरओ के आधिकारिक वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा की दोनों पालियों का प्रश्न पत्र का होगा अलग अलग पैकेट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 14 फरवरी से हो रही है जो कि 22 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा सभी केंद्राधीक्षकों को जानकारी दी गई है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की दोनों पालियों के प्रश्न पत्र को अलग अलग रंगों के पैकेट में केंद्राधीक्षकों की सुविधा को देखते हुए रखा जाएगा। इसके साथ ही ये प्रश्न पत्र अलग अलग पालियों में खोले भी जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड की ओर से रोल सीट, ओएमआर, उत्तर पत्रक, उपस्थित पत्रक, अनुपस्थिति पत्रक, उत्तर पुस्तिका आदि को सभी परीक्षा केंद्रों पर 7 फरवरी तक भेजने की सूचना दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा रैंडमली तरीके से 11 फरवरी को की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की सूची भी तैयार कर ली गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजेश कुमार के बारे में। राजेश कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जिन्हें बा, बहू और बेबी और सारा भाई बनाम सारा भाई जैसे भारतीय टेलीविजन शो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बता दें कि राजेश हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र है। उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स सीरीज कोटा फैक्ट्री के दूसरे सीजन में गगन रस्तोगी की भूमिका में देखा गया था। राजेश कुमार अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। उनका पैतृक घर गया जिला बिहार में है। इन्होंने फिल्मों में भी अपनी कलाकारी दिखाई। बता दें कि इन्हें वर्ष 2005 में सारा भाई बनाम सारा भाई सीरियल के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा वर्ष 2012 में चिंटू चिंकी और एक बड़ी लव स्टोरी सीरियल के लिए इंडियन टेली अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे मुंगेर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंचेंगे जहां वे 233 करोड़ की लागत से बने वानिकी कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे इस यात्रा के दौरान जमालपुर प्रखंड स्थित बांग पंचायत पोखर का निरीक्षण करेंगे और बगल में ही स्थित तालाब में मछली प्रोसेसिंग यूनिट की जीविका दीदियों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भेड़ के बाल से कंबल बनाने की फैक्ट्री का और प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट के उन्नत कचरा प्रबंधन इकाई का उद्घाटन भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज मुंगेर में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बिहार के सीओ के लिए हो रही बुलेरो की खरीद। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र भेज यह जानकारी दी गई है कि राज्य के 26 जिलों के 85 अंचलाधिकारी को जिनके पास गाड़ी की कमी थी उन्हें सरकार के द्वारा जारी की गई राशि से महिंद्रा की बुलेरो B2BS6 मॉडल की गाड़ी खरीद कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान जिन जिलों के अंचलाधिकारियों को नई गाड़ी के रूप में महिंद्रा की बुलेरो B2BS6 मॉडल की गाड़ी खरीद कर नहीं दी जाएगी उनमें कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, बांका, अरवल, लखीसराय, अररिया, पूर्णिया, औरंगाबाद, पटना एवं पूर्वी चंपारण का नाम शामिल है। यानी बिहार के इन जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों के अंचल के सीओ को गाड़ी खरीद कर दी जाएगी। बीते दिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित के परिजनों का प्रदर्शन। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित के परिजनों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और सरकार के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी की दवा मुफ्त में दिए जाने की मांग की गई ताकि बच्चों का इलाज करवाया जा सके। बता दें कि इस प्रदर्शन में बिहार के विभिन्न जिलों के परिजन अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान मोतिहारी से आए एक परिजन के द्वारा बातचीत करते हुए यह कहा गया है कि वे लोग काफी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के लिए सरकार फ्री में दवा उपलब्ध कराए, नहीं तो हम लोगों का बच्चा
दवा के अभाव में मर जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दवा विदेश में सस्ती है, लेकिन भारत में यह दवा काफी महंगी मिलती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सरकार हम लोगों की मदद करे ताकि हम अपने बच्चों को इस बीमारी की दवा दिला सके। अब ट्रेनों में इस नंबर की मदद से व्हाट्सएप से भी मंगा सकेंगे खाना। IRCTC के द्वारा आम तौर पर लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए नई सुविधा शुरू करती है। इसी कड़ी में PSU IRCTC के द्वारा एक ऐसा नंबर जारी किया गया है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बता दें कि अब तक ट्रेनों में खाना ई कैटरिंग के जरिए ही बुक किया जाता था और इसमें केवल वन वे ही होता था, यानी कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अब इसे और आसान बनाते हुए IRCTC के द्वारा चैट बोट शुरू कर दिया गया है, जिसकी मदद से यात्री अपना खाना बुक भी कर सकेंगे और साथ ही अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। मालूम हो कि लोगों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर ही इस सुविधा को दूसरी अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PSU IRCTC के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है वह 8750001323 है। सारण में इतने दिनों तक रहेंगे सारे सोशल साइट्स बंद। सारण हिंसा के बाद गृह विभाग के दिए गए आदेश के बाद राज्य सरकार के द्वारा सारण जिले में 6 तारीख से लेकर 8 तारीख की रात 11 बजे तक सभी सोशल मीडिया को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सारण जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तरफ से इनपुट्स मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया की मदद से लोगों के बीच दुष्प्रचार व अफवाह फैलाई जा रही है। इसी को देखते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल समेत कुल 13 साइट्स को बंद किया जाए। अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारण के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 3 युवकों की पिटाई की गई, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा और आगजनी किया गया। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिस वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। पटना में विश्व की सबसे बड़ी एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता का इस दिन सीएम करेंगे शुभारंभ। बिहार की राजधानी पटना में विश्व की सबसे बड़ी एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसके तहत यहां राष्ट्रीय स्तर के अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 9 फरवरी से हो रही है, जो कि 12 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 9 फरवरी को किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समिति के अध्यक्ष रविन्द्रन संकरन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसमें लगभग पूरे देश के 600 जिलों से लगभग 8000 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें से 250 खिलाड़ियों का चयन 14 कोचों की निगरानी में किया जाएगा। वहीं बिहार से कुल 513 एथलेटिक्स खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में से चुने गए खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और एथलीट PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज और हिमदास जैसे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शिरकत करेंगे। सरकारी ITI में नए सत्र से रोबोट ड्रोन की पढ़ाई। श्रम संसाधन विभाग की ओर से औद्योगिक इकाइयों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए राज्य के 60 सरकारी ITI में नए सत्र से यानी कि अगस्त सितंबर से रोबोट ड्रोन जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की शुरुआत की जाने वाली है। बता दें कि पूरे देश में कर्नाटक के बाद बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जो ITI को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि अभी जिन 60 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जा रहा है, ये प्रक्रिया पहले चरण में पूरी की जा रही है। वहीं दूसरे चरण में बचे 89 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना को पूरा करने में कुल 4,606 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इन 60 सरकारी ITI को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने में टाटा टेक की 16 कंपनियां श्रम संसाधन विभाग की मदद कर रही है। बिहार के पटना समेत कई जिलों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पछुआ हवा की वजह से लोगों को कनकनी महसूस हो सकती है। हालांकि दिन में तेज धूप होने के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही फिर से ठंड बढ़ जाती है। मौसम विभाग की माने तो उनके अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत 16 जिलों में तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं आने वाले 2 दिनों में कोहरे का भी पूर्वानुमान किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम भी शुष्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वैसे मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बिहार में इस महीने हो सकती है G20 की बैठक।
बिहार में 6 और 7 मार्च को होने वाली G20 की बैठक को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बिहार में G20 की बैठक अब मार्च के बजाय जून में आयोजित हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक को लेकर पहले चरण का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बिहार का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद यह उम्मीद की जाने लगी थी कि इसके दूसरे चरण में बिहार का नाम भी शामिल हो सकता है। ऐसे में अब दूसरे चरण के शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा है, उसके अनुसार ही इस कार्यक्रम को लेकर आगे की तैयारी की जाएगी। मालूम हो कि G20 की बैठक देश के 55 शहरों में होगी, जिसमें से एक शहर बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है। लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए राज्य के 9200 विद्यालयों में बनेगी समिति। राज्य भर के स्कूलों में लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को शिक्षिका और छात्रा के द्वारा स्कूल में ही बताया जा सके, इसके लिए राज्य के सभी 9200 उच्च और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के द्वारा एक समिति गठन की जाएगी, जिसमें महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने और ऐसे मामले सामने आने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस तरह की शिकायतें जिला शिक्षा कार्यालय के न्यायालय में की जाती थी और DEO और प्रमंडल शिक्षा निदेशक के द्वारा कार्यालय स्तर पर शिकायतों का निवारण किया जाता था, लेकिन अब इन शिकायतों का निवारण स्कूल में गठित समिति में मौजूद वहां के प्रधानाध्यापक और 2 वरीय शिक्षिकाओं के द्वारा कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनके द्वारा इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट DEO को सौंपी जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गया में पहली बार होगी तिल की खेती। कृषि विभाग के पहल पर पहली बार राज्य के गया जिले में तिल की सामूहिक खेती होने जा रही है। इसके लिए 15 फरवरी से किसानों के बीच बीज बांटने की शुरुआत कर दी जाएगी। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। मालूम हो कि जिले में तिल की सामूहिक खेती करने के लिए विभाग के द्वारा तिल का बीज NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन से मंगाया गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूरे जिले में 1000 एकड़ में तिल की खेती की जाएगी और प्रत्येक किसान को 1 एकड़ खेती करने के लिए विभाग की ओर से 1200 रुपए का बीज किट दिया जाएगा। हालांकि यह किट किसानों को अपने पैसे से खरीदना होगा, लेकिन बाद में इन पैसों को विभाग की ओर से किसानों को लौटा दिया जाएगा। जो किसान खेती करने के इच्छुक हैं, वे DBT पोर्टल के जरिए 15 फरवरी तक ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बीते दिन सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचे बांका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन अपनी समाधान यात्रा के दौरान बांका पहुंचे, जहां उन्होंने कटोरिया प्रखंड के मनिया से 35 मिनट की पैदल यात्रा कर चांदी की मछली बनाने वाले कारीगरों से बातचीत की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चांदी की मछली की ब्रांडिंग करने और हाईटेक स्तर की मशीनें उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके अलावा सीएम नीतीश ने प्राथमिक विद्यालय मनिया के बच्चों से मिले और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की पढ़ाई खेल खेल में कराई जाए। इस दौरान सीएम ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निरीक्षण व जल जीवन हरियाली योजना से निर्मित तालाब में मछली देकर उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम ने करझौंसा में रेशम कोकून केंद्र, बकरी पालन, लेमन ग्रास प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समाहरणालय सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बांका में लोगों को दहेज के खिलाफ सामाजिक मुहिम को बढ़ाते हुए संदेश देते हुए कहा कि जो दहेज ले उसकी शादी में ही मत जाइए। ललन सिंह का ऐलान, कुशवाहा नहीं है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। बीते दिन यानी कि सोमवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि वे पार्टी के सिर्फ MLC है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा को पार्टी में बहुत इज्जत मिल रही है। जेडीयू के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसके बाद किसी भी अन्य पार्टी संगठन के पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। बता दें कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी किया जा रहा है। पुलिस द्वारा 3 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। हमने अक्सर अपराधी को चाकू और बंदूक के बल से हमला करते तो सुना ही है, लेकिन अब अपराध एक नए सिरे से पैर पसारता दिख रहा है, जहां अपराधी लोगों का शिकार किसी चाकू या बंदूक से नहीं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों को साइबर अपराधी कहते हैं। दरअसल आधार नंबर और फिंगरप्रिंट चुराकर जो साइबर अपराधी लोगों का शिकार करते थे, उनका एक गिरोह अरवल पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। बता दें कि 3 साइबर अपराधियों को अरवल पुलिस द्वारा दबोचा गया है। इन तीनों अपराधियों के पास 5 पेनड्राइव, 207 फिंगरप्रिंट, 10 पैन कार्ड, 10 पासबुक, 11 आधार कार्ड, 53 सिम, 13 वोटर कार्ड, 26 चेक, 3 रजिस्टर, पॉलीमर स्टाम्प मशीन और 16 मोबाइल को इनके पास जब्त किया गया है।
उपेंद्र कुशवाहा पर भड़के सीएम नीतीश। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 19 और 20 फरवरी को जेडीयू के कार्यकर्ताओं और पुराने रालोसपा के साथियों के साथ सिन्हा लाइब्रेरी में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए कहा कि इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आप खुद बताइए, हमने उस आदमी को कितना सम्मान दिया, एमएलए बना दिया, अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बना दिया, लेकिन वह बार बार भागा और आया, फिर भी हमने एक बार फिर उसको राज्यसभा बना दिया और अब तीसरी बार आया तो बोला कि हर हालत में पार्टी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है। कुशवाहा पर हमला बोलते हुए कहा कि काहे के लिए आए थे, आए तो इज्जत दे दिए, हमको आश्चर्य हुआ, हमको बीच में कहा कि बात करेंगे लेकिन अब बात ही नहीं कर रहे। अडानी समूह के खिलाफ कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। बिहार में कांग्रेस अडानी विवाद को लेकर सड़क पर उतर गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश में मौजूद वित्तीय संस्थानों की स्थिति के कारण लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यहां तक कि बिहार भी अब इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, नवादा, जमुई समेत सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ मोतिहारी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा ते हुए कहा कि राहुल गांधी बहुत पहले से सरकार को आगाह करते रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार में जो अरुण सौरी के नेतृत्व में विनिवेश मंत्रालय बना था, उस वक्त भी हमारे पूर्वजों की संपत्तियों को बेचने का काम किया गया था। मोदी सरकार में भी देश को बेचने का काम किया जा रहा है। SBI और LIC में एक एक आदमी का पैसा है, जो अदानी समूह को कर्ज देने पर वह पैसे डूब जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के घर में चोरी हुई बात निकली झूठी। दो दिनों पहले ऐसी खबर चल रही थी कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के एग्जीबिशन रोड स्थित घर में चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसको लेकर उन्होंने गांधी मैदान थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं अब यह बात निकलकर आ रही है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, जिसके बाद अब शिकायतकर्ता विजय सिन्हा के वर्तमान सहायक गौरव के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि चोरी जैसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए शिकायत वापस ले लिया गया। वहीं बीते दिन इस मामले को लेकर शिवम ने बताया कि जिस पर चोरी का आरोप लगाया गया था कि जिन सामानों की चोरी की खबर उन्होंने लिखवाई गई थी वह उस कमरे में ही दूसरे स्थान पर ही रखा हुआ था, लेकिन मेरी फोन में खराबी होने के कारण मैं इस बारे में जानकारी नहीं दे सका। ये सारी स्थिति गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुई और वो सामान भी मिल गया है, जिस वजह से शिकायत को वापस ले लिया गया। पाकिस्तान नहीं आने पर भड़के जावेद मियांदाद। एशिया कप 2023 में भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने को लेकर PCB और BCCI के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें कि अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद के द्वारा भारत को लेकर विवादित बयान देते हुए तीखी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले भी कहता था, नहीं आते तो ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है, ये ICC का काम है, ये चीज अगर ICC कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी को कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आके खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते हैं, उनको मुसीबत आ जाती है इसलिए भागते हैं। हमारे समय पर भी वो इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि हारते हैं तो मुसीबत हो जाती है, वहां का क्राउड बहुत खराब है, जब भी इंडिया हारती है चाहे किसी से हारे वहां के जो लोग हैं वो घरों को आग लगा देते हैं, हमें याद है कि जब हम खेलते थे तो उनके साथ मुसीबत हुई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल SC जमीर ने 2009 में स्वतंत्र भारत की 12वीं तथा पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को D.Lit की उपाधि से नवाजा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 7 फरवरी 2010 को खत्म हुआ। आपको बता दें कि यह मेला 9 दिनों तक चला, जिसमें करीब 2000 प्रकाशकों ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का जन्म सन 1898 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री अंकिता शर्मा का 7 फरवरी साल 1987 में जन्म हुआ। अभिनेत्री प्राची शाह का 7 फरवरी 1980 को जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत का जन्म 1993 में हुआ। बता दें कि फरवरी को प्रेम का महीना कहा जाता है, वहीं 7 फरवरी से ही वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत होती है। इस दिन को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नकली वेबसाइट NTTM.IND.IN राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत हो रही है और विभिन्न पदों के लिए नौकरी प्रदान करने का दावा करती है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट भारत सरकार के संबंध नहीं है। NTTM की पर अधिक जानकारी के लिए NTTM.TEX MIN.GOV.IN पर जाएं।
बैंकिंग आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली के चलते बाजार में गिरावट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि बीते दिन भारतीय बाजार में बैंकिंग आईटी और मेटल स्टॉक्स में मुनाफा वसूली के चलते गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। बता दें कि बीते दिन का कारोबार बीएसई सेंसेक्स 335 अंकों की गिरावट के साथ 60,506 अंकों पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंकों की गिरावट के साथ 17,764 अंकों पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन जिनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है उनमें एफएमसीजी, फार्मा, मीडिया, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में खरीदारी रही, जबकि बैंकिंग, आईटी, ऑटो, मेटल्स, एनर्जी सेक्टर शामिल है। वहीं जिनके शेयरों में तेजी आई है उनमें अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, एशीसी और एनडीटीवी शामिल है। दुल्हन की तरह अक्षरा सिंह हुई सज धज कर तैयार। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वे गुलाबी रंग के जोड़े में बिल्कुल दुल्हन की तरह नजर आ रही है। बता दें कि इस वीडियो में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। हाथों में मेहंदी और ज्वेलरी पहने अलग ही कहर ढा रही है। मालूम हो कि अक्षरा के इस वीडियो को उनके चाहने वाले लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। उनके फैंस के द्वारा उनके इस पोस्ट पर खूब कमेंट और खूब शेयर किए जा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि एकदम दुल्हन लग रही है। वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि मैम अब शादी कर लो आप। बता दें कि अक्षरा सिंह का यह ब्राइडल लुक अपनी शादी के लिए नहीं बल्कि किसी सूट के सिलसिले से है। वही अक्षरा सिंह ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो अपनी फ्रेंड को गाने की मदद से शादी की बर्बादी के बारे में बता रही हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजकुमार प्रसाद, असरफी मंडल, रंजन यादव, पंकज कुमार, नन्नो गोलू कुमार, मोतीलाल कुशवाहा, बसंत चौधरी, जीवनाथ मंडल, रवि कुमार राम, राजेश कुमार राज, रीचा कुमारी, कविता कुमारी, योगेंद्र रजक, शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज के समय में सोशल मीडिया का महत्व आपके जीवन में कितना है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।